बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत को बॉलीवुड में जहां उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है, वहीं उनके धाकड़ तरीके से बोलने के अंदाज के लिए भी जाना जाता है। वहीं कंगना रनौत अगर धाकड़ तरीके से बोलती हैं तो उनकी बहन रंगोली चंदेल भी उनसे कम नहीं है, यानी दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हैं। वहीं रंगोली चंदेल भी हर आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करके सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो रिसेंटली हमने देखा है सांड की आंख का ट्रेलर, जिसमें हमें तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर नजर आई है, लेकिन इसी को लेकर रंगोली चंदेल ने एक ट्वीट किया है। दरअसल सोशल मीडिया एक यूजर ने इस चीज को नोटिस किया था कि इस फिल्म में हम ज्यादा एज वाले हीरोइंस को ले सकते थे, बिकॉज जैसे कि ये एक स्टीरियोटाइप को तोड़ा गया है जिसको कि एजिज्म और सेक्सिज्म को तोड़ने के लिए बनाया जाना था इस फिल्म को, लेकिन इस फिल्म में जो उनके मेकर्स है उन्होंने यंग एक्ट्रेसेस यानी तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर को लिया। वहीं इसी बात पर रंगोली चंदेल ने भी ट्वीट किया है। रंगोली चंदेल ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि ये जो फिल्म है पहले कंगना रनौत को ऑफर की गई थी, लेकिन कंगना रनौत ने इस फिल्म को ये बोल के ठुकराया था कि इस फिल्म के जरिए आप एजिज्म और सेक्सिज्म जैसी चीजों को तोड़ सकते हैं किसी ज्यादा एज वाली हीरोइन को लेकर। वहीं ऐसे कई ट्वीट्स किए हैं रंगोली चंदेल ने, तो आइए हम भी उन ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। इन ट्वीट्स की बात करें तो इन ट्वीट्स पर फिलहाल तापसी पन्नू या भूमि पेडनेकर का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अगर हम बात करें तापसी पन्नू की तो रिसेंटली भी इनका कंगना रनौत के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके चलते रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू को कंगना की सस्ती कॉपी भी बताया था। अब ये सब भी कंगना रनौत की सिस्टर यानी रंगोली चंदेल ने ट्वीट किया है, तो अब देखना ही होगा कि तापसी पन्नू का इस पर क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की आने वाली फिल्म सांड की आंख दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है, जिसमें भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू हमें शूटर दादीज यानी तोमर दादीज का किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है। अब देखना ये होगा कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है।